तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हम और वाइफ जा रहे हैं ऐसी जगह जो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जा रहे हैं, करेक्ट ना? 10 साल गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए इसका तैयारी चल रहा है स्कूल का, रेडी होने का। और एज यूजुअल मम्मा हमारी किचन में लगी हुई है सुबह सुबह बाबू का लंच और ब्रेकफास्ट के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मम्मा अपना प्रिपेयर कर रही है ब्रेकफास्ट लंच। और आज का मौसम मस्ताना रास्ता अनजाना। ये देखिए सुबह के बज रहे हैं 7 और मौसम देखिए एकदम सुहावना मौसम हो रहा है। अगर यही मौसम ठंड के समय होता तो हम बोल रहे हैं मौसम सुहावना हो रहा है गर्मी के हिसाब से। अगर यही मौसम ठंड के समय होता तो लगता कि कांपते रहते, लगते धूप ही नहीं निकला है, धूप क्यों निकल रहा है। और अभी आज धूप नहीं निकला तो अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ फ्रेंड्स, यस फ्रेंड्स, मगर हाँ स्कूल तो जाना है और मजा आएगा आज, पता क्यों? अच्छा लगता है। बाहर में गेम्स होगा ना तो आज थकोगे नहीं। तो आज गेम नहीं होगा, ठीक है? फिर भी देखो कितना मस्त हो रहा है मौसम। यही अगर ठंडी है तो मंकी कैप पहनो, सॉक्स पहनो, जूता पहनो, सब पहनो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग कहाँ कहीं स्पेशल जगह जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो अभी आपको नहीं बताएंगे। डुगू स्कूल जा रहा है, डुगू को बता दिया बेटू को कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। और हमको लगता है ऑलमोस्ट जहाँ जाएंगे, हमारे शादी को हो गया 10 साल, जुलाई में 11 साल हो जाएगा, करेक्ट? जुलाई में 11 साल। तो हम लोग जाने वाले हैं ऑलमोस्ट शादी को, तो ऑलमोस्ट 9 साल बाद हम लोग जहाँ जाने वाले हैं, नहीं 10 साल ही बोलिए, 10 साल बाद जहाँ जाने वाले हैं 10 साल बाद जाएंगे। तो देखते हैं, प्रोग्राम सोच रहे हैं, अगर गए तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिए और हम इंजॉय कर रहे हैं सुबह सुबह का अपना लेमन टी। फिर मिलते हैं आपसे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ब्लॉग तो हमारा स्टार्ट हो ही चुका है। देखिए अभी ना डोगू का स्कूल से अभी है ना स्कूल बस आने का टाइम बचा हुआ है, अभी टाइम है। हाँ अभी टाइम है ना, अभी स्कूल बस आने का टाइम है। तो जब तक है ना डुगू तो रेडी हो चुका है, इसका सब लंच भी पैक हो गया, लंच वाटर बॉटल, हाँ बेंटन का मास्क है। तो जब तक मैं सोची आ जाओ नहीं तो मम्मा के पास थोड़ा सा गोदी में बैठ जाओ, थोड़ा सा टाइम मिल गया है तो फिर तो बस आ जाएगा, तो स्कूल चलो जाओगे। मुन्ना मेरा, चुन्ना मेरा, चुन्नू मुन्नू मम्मा का, है ना बेटा? तो फ्रेंड्स ब्लॉग में बने रहिए, स्कूल जाऊंगा। हाँ स्कूल जाना। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि हम और वाइफ जा रहे हैं ऐसी जगह जो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 साल के बाद जा रहे हैं, करेक्ट ना? 10 साल के शादी के बाद गए थे और फिर वैसा कुछ इंटरेस्ट भी नहीं था जाने का और मन भी नहीं करता, बट अभी जा रहे हैं ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद। तो वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं कि हम लोग एक्चुअली कहाँ आए हैं, क्या करने आए हैं। तो अभी फिलहाल निकलते हैं, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो फटाफट पहुंचते हैं वहां पे और फिर मिलते हैं आपसे। क्यों? हाँ, फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि बेटा तो गया स्कूल, तो ये थोड़ा सा हमारा 3.5-4 घंटा का टाइम है अपने पास। तो हम बोले चलो फटाफट जाके आते हैं और बेटा को बता दिए कि हम लोग यहाँ जा रहे हैं, तो आपको भी बताएंगे वहाँ पहुँच के। तो फटाफट निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है और हम लेट होते जा रहे हैं। क्यों? रेडी हो? चल चल जल्दी करो। फ्रेंड्स फाइनली हम लोग पहुंच गए और लिफ्ट के अंदर हैं। हम लोग आए हुए हैं 10 साल बाद मूवी देखने। 10 साल बाद तो ऐसा है, पहुंच गए थर्ड फ्लोर पे। तो आफ्टर 10 ईयर्स हम लोग मूवी देखने आए हैं और मूवी का नाम है, पता है क्या? हम लोग देखने आए हैं मूवी कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल्स। तो 10:30 का शो है सुबह सुबह का और बाबू है नहीं, स्कूल गया हुआ है। तो हम लोग चले, सोचे कि सुने काफ़ी अच्छी मूवी है, तो 10 साल बाद मौका मिला है मूवी देखने का, तो हम लोग आए हुए हैं। देखिए
तो चलिए मूवी एंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरे थिएटर में हम ही हैं केवल, ये देखिए। अब यहाँ पे मास्क खोल सकती हो, ठीक है। शर्मा क्यों रही हो, जाओ ना पीछे, तुम ही शुरू कर दो। मैं शुरू कर दूँ अपना गाना माइक लेके। ये देखिए फ्रेंड्स पूरे थिएटर में सिर्फ हम दोनों, ये देखिए। देखते हैं टाइम है 10 मिनट, एंजॉय करते हैं। पीछे से तीसरा, हाँ यहाँ से हमारा सीट जो है। तो फ्रेंड्स मूवी तो स्टार्ट हो गई है, और ये देखिए इधर क्लियर व्यू दिख रहा होगा हम लोग का तो। और पूरे थिएटर में सिर्फ हम दोनों हैं, मूवी का एंजॉय कर रहे हैं। बिकॉज एक्चुअली ये टाइम भी सुटेबल टाइम नहीं है, बिकॉज 10:30 हो रहा है तो अर्ली मॉर्निंग, और छुट्टी का दिन भी नहीं है कि लोग आए देखने, तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हमें तो इंजॉय करना है बस। हाँ। और ये देखिए पूरा थिएटर, आपको बिलीव नहीं हो रहा होगा, पूरा खाली है। फ्रेंड्स हम लोग जब आए थे जिस शो में, उस शो में तो क्राउड नहीं था, बट अभी आप पीछे देख सकते हैं क्राउड मूवी देखने के लिए, बिकॉज बहुत सारे बहुत ज़्यादा ही क्राउड है। हम लोग आए थे तो हम लोग तो खैर तो थिएटर में, बट आप पीछे देखिए क्राउड देखिए, मतलब अच्छा खासा क्राउड है मूवी देखने के लिए। बट मूवी बहुत ही मस्त लगा, मस्त इन द सेंस बिकॉज अपना मतलब अपने कंट्री के हिस्ट्री के बारे में पता चला, कश्मीर के बारे में मालूम चला, जो कि रियलिटी थी वो दिखाया गया मूवी में। तो ये चीज़ जो जानने को मिला ना, बहुत ही बेहतरीन लगा मूवी, बहुत ही अच्छा था। नॉर्थ देखो तो कौन लोग काम धाम नहीं है को। तो फ्रेंड्स हो रहा है शाम का टाइम और हमें लग गई है जोरों की भूख, और बाबू भी अभी भी सो के उठा है। तो ये देखिए मम्मा क्या चढ़ाई हुई है, ये हम बना रहे हैं मैगी और इसमें डाल दिए हैं अंडा, तो अंडे वाली मैगी खाएंगे मस्त। और आज तो आप देखे हम गए थे, मम्मा और मैं गया था दोनों मूवी के लिए, तो मूवी देख के आ जाए बेटा, अच्छा लगा हम लोग को बहुत छुंजल। तुम्हारा आएगा तो मालूम चल जाएगा ना, तुम्हारा मूवी आएगा तुम्हें मालूम चल जाएगा, उसका टेंशन मत लो, आपको भी अच्छा वाला मूवी दिखा दूंगा फिर। आएगा ना बच्चों वाला कोई अच्छा सा सब चल रहा देखने, तो आपको भी ना कहते अच्छा वाला मूवी दिखाऊंगा, जब बच्चों वाला आ जाएगा ना तो फिर अच्छा वाला मूवी दिखाऊंगा, समझे। इसी का लाइट क्यों ऑफ है, ये ऑन कर दो लाइट, वैसे लाइट जलाते रहो सब गलू का। जब पुतला छोड़ कर नहीं दिखता, देखो तो अभी दिख रहा है कि नहीं लाइट में। आपका मूवी आएगा तो आपको ले जाएंगे, ठीक है। और हम लोग को तो काफी पसंद आया मूवी, हाँ मूवी अच्छा लगा। आप लोग भी सच्चाई था जो कश्मीर के ऊपर वही सब था, तो अच्छा लगा। और फ्रेंड्स पता है हम लोग फर्स्ट मूवी कब देखे थे, 2011 में, और वो मूवी कौन सा था, मेरे ब्रदर की दुल्हन। मेरे ब्रदर की दुल्हन, हाँ वो देखे थे, उसका आज देखे, उसके बाद आज ही कश्मीर, सोच लो 2011 के बाद आज देखे, पुतलू मेला ले छनुआ बेटवा ले। तो फ्रेंड्स अभी मस्त गर्मा गर्म मैगी खाते हैं, भूख जोरों की भूख लगी है। फिर मैगी के बाद क्या, चाय पिए। चाय तो चाहिए मुझे, चाय तो हाँ, बाबू दूध पिएगा, वो भी सो के उठा है, सब एक साथ बोलने लगो। सब फ्रेंड्स को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होगा, उसके बाद फिर गिटार प्रैक्टिस करना है, फिर पढ़ाई करना है ना बेटा। तो फ्रेंड्स फटाफट गर्मा गर्म मैगी खाते हैं, आप भी खाइए हमारे साथ, और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल आसान है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।